अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी आरजे रौनक की, बहुत जबरदस्त वीडियो होता है इनका, राम मंदिर के हवाले से आज वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि कैसे विपक्ष के बहुत सारे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का डर है कि अगर 22 तारीख को, 22 जनवरी को ये लोग अयोध्या गए तो बीजेपी को इसका फायदा ना मिल जाए। वेल, बात यही रुक जाती तब भी समझ सकते थे, मगर इनमें से कुछ लोग अब सीधे सीधे भगवान राम का ही अपमान करने लगे। कोई नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है, कोई रोजी रोटी से इसकी तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है, और ओएसी जैसे लोग तो सीधे सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। मुझे शक है कि 22 जनवरी आते आते ये लोग फ्रस्ट्रेशन में अपनी हाथ की नसें ना काट लें, अपनी नस भी काट लें तो भी ठीक है, मगर शक ये है कि ये लोग उछल उछल कर राह चलते लोगों को ही काटना ना शुरू कर दें। इसलिए आज के इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने वाली इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग सच में हिंदुओं के दुश्मन है या फिर मंदिर बनने से होने वाले अपने पॉलिटिकल नुकसान का सोच सोच कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। हेलो, शुरू करते हैं वीडियो। पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करेगा। स्वागत है आपका। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से लेना देना होता है। मोरालिटी, सच्चाई, इमोशन जैसे शब्दों से इनका उतना ही लेना देना होता है जितना इस ठंड में उत्तर भारतीयों का नहाने से। मगर फिर भी हर पेशे में एक लकीर होती है जिसे लालची से लालची आदमी भी पार नहीं करता। मगर अफसोस है कि राम मंदिर के मामले में हमारे नेताओं ने उस लकीर को भी पार कर दिया। इतना गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। राम मंदिर को लेकर लोगों के जोश को देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए कि अब इन्होंने बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर डाला। खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सुना आपने, ये शख्स भगवान राम को मांसाहारी बता रहे, साथ ही उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खाता था, खाता था क्या होता है? एक तो भगवान राम जी के बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे, ऊपर से उनके बारे में बात करते हुए भी बदतमीजी कर रहे हो। ये खाता था क्या होता है? अपनी दुकान में काम करने वाले किसी छोटू से बात कर रहे हो क्या? कुछ तमीज, शर्म, हया, लाज, संस्कार जैसे शब्दों से कभी कोई पाला पड़ा है या नहीं? माना कि महाअघाड़ी सरकार में तुम मंत्री थे और सरकार जाने के साथ ही तमीज भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी है, मगर फिर भी कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो। अपने सियासी फायदे के लिए जिस भगवान राम जी को तुम भला बुरा कह रहे हो, मर के भी तो उन्हीं के पास जाना है। नहीं, कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई, किसी एक से गलत बयानबाजी हो गई तो बाकी लोग उससे सबक ले ले, ना, बिल्कुल नहीं। यहां तो बेवकूफियों की रिले रेस चल रही है। एक आदमी उठपटांग बयान देकर हटता है और जाते जाते वो बैटन दूसरे को भी थमा जाता है। देखो, बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैदा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। तो ये हैं लालू के लाल, कह रहे हैं कि पांव कट जाएगा तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे या कहीं और। आप टोन देख रहे हो इनकी, हैं? एक तरह से मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। कोई सेंस है इस बात? तेजस्वी बाबू, एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, आप कह रहे हो पैर कटेगा तो मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाओगे, भूख लगेगी तो रोटी खाने मंदिर तो नहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन बाबू मशाई ये कहां भूल गए आप कि जब पैर कटेगा ना तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। ईश्वर न करे आपका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे होंगे तो बाहर आप उसी ईश्वर से उन्हीं की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे। भूख लगेगी तो रोटी जरूर खाएंगे लेकिन रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तो उसी ईश्वर को याद करेंगे। तो जिस ईश्वर को आपने अस्पताल में भी याद करना है, भूखे होने पर जिसकी याद आएगी, खुशी में भी जिनको आप धन्यवाद दोगे, क्या वो ईश्वर, वो श्री राम जी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम उनके भक्त उनके जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर बनवा पाए? हेलो, भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह,
महल नहीं बनवा लेंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम ने कभी अपना मंदिर थोड़े ना मांगा था, श्री राम चाहते तो अपने लिए महल बनवा लेते। बिल्कुल सही बात, बढ़िया। मगर मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईश्वर हो या माँ बाप हो, क्या कभी वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए? ये तो उनकी संतान होने के नाते, उनके प्रति कृतज्ञ होने के नाते हमारा खुद का फर्ज होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी नौकरी लगने पर क्या माँ बाप कभी हमें कहते हैं कि अब हमें भी कुछ दिलवाओ? कभी नहीं कहते। मगर हमारे लाखों दर्शकों से मैं सीधा पूछना चाहूँगा कि जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी अपना पेट काट काट कर आपको पढ़ाया हो, और जिस दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई आती है, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि इससे मैं अपना नया मोबाइल ले लूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करके पैसे उड़ा दूँ, नए कपड़े ले आऊँ? बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर इंसान ऐसे मौके पर यही सोचता है कि आज मैं इस लायक हुआ हूं तो इन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप को कुछ दिलाऊं, उनके लिए घर पर कुछ लेकर जाऊं। अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तेजस्वी बाबू, यही छोटी सी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा है। जब देश आजाद हुआ तब भी जो लोग थे वो गुलामों की ही सोच रखते थे। आज ये देश अगर फिर से अपनी आत्मा को जान पा रहा है, फिर से अपनी संस्कृति को पहचान पा रहा है, तो क्या ये हमारा, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का ये फर्ज नहीं है कि हम उन प्रभु राम के घर अयोध्या में तो उनका कम से कम एक भव्य मंदिर बनवाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाएं? बताइए। गरीब से गरीब आदमी भी अपने माँ बाप के न रहने पर अपने छोटे से घर की छोटी सी खोली में उनकी याद में एक तस्वीर लगाता है। तो क्या हम प्रभु श्री राम के इतने निकम्मे भक्त हैं कि उनके देश में उनका ही मंदिर न बनवा सके? तेजस्वी बाबू, दुनिया की हर चीज़ ना जरूरत से नहीं चलती है, उसे जरूरत से नहीं तोला जाता है। कुछ चीज़ें जरूरत, तर्क और गणित से बहुत ऊपर होती है। और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हमारी भावनाएं एक ऐसा ही इमोशन है जो हर लॉजिक, हर तर्क से ऊपर है, जिसके सामने दुनिया का हर गणित छोटा है, जिसके सामने हर इमोशन इतना सा है, छोटा। दूसरी बात, आपने अस्पताल की बात की, नौकरी की बात की, रोटी की बात की, तो जरा ये बताइए, जिस बिहार में खड़े होकर आप ये सब बोल रहे हैं, उसी बिहार में आपके पिता 10 साल तक सीएम रहे, क्या विकास किया उन्होंने बिहार का? आप कहो तो मैं उसका हिसाब किताब दे दूं। आप अस्पताल की बात कर रहे थे, आजादी से 75 साल बाद भी बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है, पता है आपको? कहें तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं, खैर वो चैप्टर किसी और दिन खोलेंगे। और हाँ, आप तो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, ऐसा बताया गया है हमें, किसी आईपीएल टीम में भी थे, खैर खेलने का मौका नहीं मिला शायद, ये बात अलग है। लेकिन जरा बताओ 2 दिन पहले क्या हुआ था बिहार में? जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पटना में बिहार और मुंबई की टीम के बीच रणजी मैच खेला जाना था, और बिहार क्रिकेट में इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स है कि मैच खेलने के लिए बिहार की तरफ से 1 नहीं 2 क्रिकेट टीमें आ गई। बिहार क्रिकेट के प्रेसिडेंट ने अपनी अलग टीम भेज दी और सेक्रेटरी ने अलग। विश्व क्रिकेट के 300 सालों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मामला कभी सामने आया हो। आप तो राज्य के डिप्टी सीएम हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी है आपके क्रिकेट में, क्या आपको नहीं पता था कि बिहार क्रिकेट में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया हंस रही है इस खबर पर। और तो छोड़िए, बिहार के जिस स्टेडियम में ये मैच है उसकी हालत किसी तबेले जैसी थी। ये तस्वीरें देखिए, देखकर लग रहा है ये स्टेडियम नहीं है, कौनो भुतहा महल है। आपने क्या ना मंदिर के अलावा बाकी जरूरी चीजों की बात की ना, तो सोचा जरा आपसे इसका थोड़ा हाल ले लूं। पता है कुछ इसके बारे में बाबू? बिहार के ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक, देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में जिसका हालत ये हुआ हुआ, ये है मोइनुल हक स्टेडियम, और यहाँ है कल से रणजी ट्रॉफी जिसमें मुंबई की टीम आई हुई है यहाँ। क्या बात है सर, क्या सीन है, इस स्टेडियम को देखकर तो भैंसे भी शर्मा जाए, नहीं इससे अच्छा तो उनका खुद का तबेला होता है। खैर, इस तरह की बात करने वाले बिहार सरकार में सिर्फ तेजस्वी बाबू अकेले नहीं है। जेडीयू के भी एक सांसद महोदय से जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आपको राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता मिला, तो उनका क्या कहना था सुनाइए। अच्छा, क्या लग रहा है, न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, बताइए। वो जो न्योता दे रहा है बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे जैसे ईसा मसीह ने अपने अंतिम पलों में उनको सूली पर लटकाने वालों के लिए ईश्वर से माफी मांगी थी, मैं भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ऐसे लोगों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मगर बस भगवान को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि एक सांसद इतना भोला कैसे हो सकता है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। मैं पूछता हूँ कैसी भाषा है भैया, सवाल पसंद नहीं आया तो इग्नोर कर दो, न्योता नहीं मिला तो बोल दो हमें नहीं बुलाया गया, मगर ये कैसी भाषा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप श्राद्ध से कंपेयर कर रहे हो, न्योता देने वालों को बेवकूफ बता रहे हो? सच में यार, ये चल क्या रहा है इस देश में ब्रो? अरे देवा। और हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिन लोगों के बयान हमने आपको इस वीडियो में दिखाए, ये लोग देश चलाते हैं। हेलो, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई डिप्टी सीएम है? इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी इन लोगों को सभ्य तरीके से अपनी बात रखनी नहीं आती क्या? माना कि आप लोग राम मंदिर के बनने से होने वाले पॉलिटिकल नुकसान से घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी इतने मेच्योर तो बनो कि उस घबराहट में कुछ आव भाव आलतू फालतू ना बकने लगो, ऐसा ना लगे कि आप अपने ही ईश्वर का अपमान कर रहे हो। इतने सालों की पॉलिटिक्स के बाद भी आप ये बेसिक बातें नहीं सीख पाए, तो फिर काहे के नेता?
आपसे ज्यादा डिप्लोमेटिक तो 4 साल का बच्चा होता है, जिनसे जब उसके मम्मी पापा एक साथ ये पूछते हैं कि बताओ पिंटू, बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से, और पिंटू या तो इस पर कुछ बोलता नहीं या ये कह देता है आप दोनों से। मगर अफसोस कि डिप्लोमेसी के मामले में आप लोग उस 4 साल के पिंटू से भी गए गुजरे हो। भगवान माफ नहीं करेगा। सच में यार, ऐसे बयान चलाते चलाते मैं थक जाऊंगा और सुनते सुनते आप पक जाओगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, मगर ये बयान खत्म नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बेतु के बयानों की जैसी रिले रेस हो रही है, एक आदमी उठपटांग बोलकर हटता है तो तभी दूसरा और रायता फैला देता है। मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी साहब ने तो एक कार्यक्रम में एक तरह से मुस्लिम युवाओं को ही भड़का डाला। अयोध्या को लेकर वो ये बोले कि देख रहे हो वहां क्या हो रहा है, क्या ये देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? मतलब कहना क्या चाहते हो ओवैसी बाबू? 2020 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब तक आप दिन रात यही जपते रहते थे कि जो अदालत कहेगी वो हमें मंजूर होगा। और आज जब उसी अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर बन रहा है तो आप लोगों को भड़काने में लग गए। मैं तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ। फिर आप कहते हो कि मोदी के आने के बाद देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। इंटॉलरेंस तो सच में बढ़ गई है। अदालत के फैसले के बाद भी अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो तो मानो तो यही जाएगा ना कि इंटॉलरेंस बढ़ी है नहीं। हेलो, और इस हद तक बढ़ी है कि बीजेपी की महिला नेता रूबे आसिफ खान ने भगवान राम की पूजा की तो उनके घर पर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है राम जी का भक्त बनने का, 72 घंटे में हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ कुछ लोग दिन रात गंगा जमुनी संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते, और कोई मुस्लिम उसी गंगा जमुनी संस्कृति पर चलते हुए पूजा कर लेता है तो उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हो। मोदी जी, हेलो मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर क्या करें, यही सब दोगलापन चल रहा है और देश इस दोगलेपन को देख भी रहा है। इस देश के करोड़ों हिंदू इस बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है तो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग अच्छे से नोट भी कर रहे हैं कि कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन कौन है जो मंदिर निर्माण से तिल मिला गए हैं बुरी तरह। मगर जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फिर से कह रहा हूं, खासकर हमारे उन नेताओं से जो मंदिर बनने से हार का डर देख रहे हैं, मैं उन्हीं को यह सलाह दूंगा कि भाई कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जैसे इंस्टा पर अचानक से अपने एक्स की शादी की फोटो देखकर आप ऐप बंद कर देते हो या उस पोस्ट को स्किप कर देते हो क्योंकि वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह अगले 3 हफ्ते अब जो भी कुछ होगा उस दर्द से बचने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसलिए अपने अपने बंकरों में जाकर छिप जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो, छुट्टियां बिताने के लिए 3 महीने सीरिया या रवांडा चले जाओ। मैं तो बोलता हूं भैंस वाला इंजेक्शन लगाकर खुद को 4 महीने के लिए बेहोश कर डालो। कुछ भी करो मगर जगे मत रहो, क्योंकि तुम जगोगे तो कुछ ना कुछ बकोगे, फिर बकोगे फिर हमारा खून खौलेगा, और इस पवित्र मौके पर खुशी के इस माहौल में हम अपना खून खौलाना नहीं चाहते। इसलिए भाऊ, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं तो अब यही रुक जाऊंगा, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। अब आपके अंदर कुछ है तो बोल डालो। इन नेताओं के लिए, इन माननीय लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो, इनकी शान में 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर डालो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर कर डालो। आपका हर एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, तो इसलिए प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, कर लिया है, कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देखिए तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आरजे रौनक का, राम मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे और ठुकाई कर रहे थे उन लोगों की जिन्होंने राम मंदिर पे नहीं राम जी पे भी उंगलियां उठाई हैं और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करी है कि जैसे बंदा किसी छोटे से भी ऐसे बात नहीं करता, जैसे उन्होंने राम जी के लिए अपमान कर रहे हैं, सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए, या फिर इसलिए कि सियासी फायदा भी बीजेपी को हो जाएगा, इसलिए ये ऐसी ऊटपटांग हरकतों पे उतर आए हैं। हकीकी बात है, इन नेताओं को सिवाय अपने सियासी फायदे के किसी चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना राम में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में। इनको इन अस्पतालों, यूनिवर्सिटियों जिनके नाम पे ये डंका बजा रहे हैं, इसकी भी इनको जरूरत नहीं है। देखिए, जो ये जो मजहबी, जो रूहानी सुकून होता है, अगर इंसान के पास ये ना हो तो फिर दौलत के अंबार भी पड़े हों, सुख आसाइश हर चीज भी मुयस्सर हो, तो इंसान की अगर रूह बेचैन है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और रूह के सुकून के लिए ये मजहब ही होता है, ये ईश्वरी होता है, जिसका हम
हमारे पास खुशी है तो हम उसके शुक्राने अदा करते हैं, हमारे पास दुख है तो उससे सबर तलब करते हैं कि हमें इस पे सबर अता करा और इसको जल्द से जल्द खुशी में तब्दील कर। और यही वो चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ में देखिए, वो अस्पताल की बात कर रहे हैं तो अस्पताल में जाके भी तो राम से ही दुआएं करनी है, ईश्वर से दुआएं करनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है, भगवान से दुआएं करनी है। अगर हम उसी पे ही बात करें, अगर देखें ये कह रहे हैं कि राम चाहते तो हर जा अपना लिख कर जाते कि मेरे लिए इतना बड़ा महल बनवा देना, मेरे लिए टेंपल बनवा देना, ऐसा उन्होंने तो नहीं चाहा। देखें ये उन्होंने नहीं चाहना था, ये चाहना था उनके भक्तों ने, उन्होंने, ये हम लोगों की इच्छा है कि उनके लिए एक महल बने। महल क्या, उनके लिए कुछ भी कर दे तो ये कम होगा। देखिए मैंने पहले भी मिसाल दी थी हमारे नबी पाक के लिए, आज जो मदीना शरीफ है वो पूरा एक शहर का शहर सिर्फ एक मस्जिद में समा दिया है। क्यों? क्योंकि आने वाले लोगों के लिए जगह कम पड़ गई और वक्त के साथ साथ उसकी जो तस्वीर करते गए, और आज देखें पूरा यसरब जो शहर है वो मस्जिद नबी बना हुआ है। हालांकि तो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी मुसलमान की, हमारे तो सोचने पे भी बिल्कुल, बात करना तो बड़ी दूर की बात है, हम सोचे भी तो हमें पाप लगता है। ये कैसे लोग हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए राम जी पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके विचारों पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो शाकाहारी थे वो क्या नहीं थे उस पे उंगलियां उठा रहे हैं। बड़ी ही जबरदस्त ठुकाई की है आरजे रौनक ने, इससे भी ज्यादा करते तो और अच्छी बात थी। वाकई में इनको अपने सियासी फायदे के अलावा किसी चीज की भी और परवाह नहीं है, चाहे अवैसी हो। अवैसी तो वो रो रहा था उस दिन, वो जो मैंने वीडियो देखा उसका, नौजवानों क्या तो मैं चले, वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम भी है, देखिए भारतीय तो है ना, भारतीय है तो भारतीय ना भी हो तो, लेकिन जो सच है, जो सच है हमेशा सच के, क्या हम मुसलमानों को सिखाया नहीं गया कि सच का हमेशा साथ दो? तो क्यों फिर हमें ये मुनाफकत भरी पड़ी है कि हम सच जानते हुए भी झूठ का साथ दें? भाई चले, बिल्कुल ऐसे, ये जो ऐसे सियासी लोग हैं जो खासतौर पे मुसलमान हैं, वो सही हदीसों को गलत मौके पे इस्तेमाल करके जो लोगों को बरगलाते हैं, हमेशा जो है मजहब का चूर्ण देते हैं, सिर्फ सही हदीस अहादीस सही होती हैं, लेकिन गलत मौके पे उनका इस्तेमाल करके सुना के लोगों को वरगलाते हैं कि हमारे नबी ने तो ये कहा था, ऐसे कहा था, आपके दिल में दर्द नहीं होता। ये देखिए कैसे उनको जो है ना, उनके अंदर वो इंतशार भर रहे हैं कूट कूट के, कि चलो कोई ना सही, वो अपनी परफॉर्मेंस पे तो बात कर नहीं सकते कि भाई हमारी, हमारे इलाके में ये परफॉर्मेंस है, हमने ये कारकर्दगी की है, हमें जो है वो अब यानी कि हमें सीट मिल जाएगी, वोट देंगे लोग हमें, हमें सीट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नजर आ रहा परफॉर्मेंस तो उनकी जीरो है। तो जब परफॉर्मेंस जीरो है तो फिर वो ऐसी इंतशार वाली बातें फैला के, मीठा चूर्ण खिला के जो है वो फ्रंट पेज पे आना चाहते हैं कि चलो कोई हमारे इलाके में सही हमें सीट मिल जाए वहां पे, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। तेजस्वी यादव है, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे लगता तो ऐसे ही, उसी का बेटा लगता। तो आप देखें इनका तो बड़ा मजाया सा वो इनका मशहूर था, जब तक खाने में आलू, सालन में आलू रहेगा, पता नहीं कहाँ पे वो बनारस में लालू रहेगा, बनारस है कि पता नहीं कोई और है वहाँ पे, बड़ा फनी सा था। अब ये देखिए उस पे करप्शन के भी बहुत बड़े चार्ज, देखिए आपने जो है ना जी कितने अस्पताल बनाए हैं जी लालू जी ने, या आपने जी तेजस्वी जी, आप अगर आप वहाँ पे कोई MLA जैसे हमारे यहाँ वहाँ पे आप भी MLA वगैरह रहे होंगे, तो आपने कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं? आपने तो अपने माल बनाए गरीबों का घर देने के बजाय, वो तो गरीबों को भी मकान दे रहे हैं और राम जी के लिए भी जो है ना वो बना रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये चीजें हैं, आप देखिए भाई राम मंदिर बनेगा, पता नहीं कितने लाखों गरीबों का रोजाना पेट पलेगा, पलेगा, ये लोग नहीं सोचते। बिल्कुल देखे, लेकिन डोनेशन से देखिए, आप छोड़ दें इस चीज के भी, उससे जो गरीबों का पेट भरेगा वहां पे कितनों को मिलेगा, छोड़ दें इस चीज को, ये अलग चीज मैटर है, वो उसका तो फायदा होना ही होना है बेसिकली, क्योंकि जहां पे वो बनाने वाले का जो आपने जाना है तो वहां पे जो है ना भगत भी जाते हैं और उनका जो है ना पेट पूजा होती रहती है, जैसे हमारी दरगाहों पे होती है, लंगर चलते रहते हैं, तो यही चीजें होती हैं। इन चीजों को आप अलहदा रख दें, ये अच्छा ही है, लेकिन आप देखें आप सियासी तौर पर आ जाए कि अब देखिए कि आपने क्या किया है, आपको एक ऐसी योजना बता दें कि भाई हमने ये किया था जी,
मोदी जी ने हमारी नकल मारी, हमने ये मंदिर के लिए पैसे लगने थे हमने बचा के ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना दिया है, कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। आप तो देखिए वहां पे अयोध्या में कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, वहां पे मस्जिद भी बन रही है। अब उन्होंने तो ये देखिए ये बन रहा है राम मंदिर और मस्जिद, बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे भाई गरीबों को रोजगार दिया है, गरीबों को जो है ना मकान दिए हैं, मकान के लिए पैसे दिए, छत दी है उनको, जो है ना वो सिलेंडर दिए आग जलाने के लिए, और देखिए शौचालय दिए, क्या कुछ दिया, गिनती करते जाए गिनती खत्म हो जाती है। अगर वहां पे उन्होंने एक मंदिर बना दिया है उसके ऊपर अगर पैसा खर्च भी नहीं हुआ, भी पैसा लगा उस पे गवर्नमेंट के खजाने से पैसा भी नहीं लगा और वो बन भी गया है, तो फिर उससे इतराज हो रहा है। तो भाई तेजस्वी जी आपको थोड़ा सा अपने ना इलाज करवाने के लिए देखिए अवैसी से लेकर जितने भी राम मंदिर के खिलाफ हैं, जो भी है मुस्लिम है हिंदू है जो भी है उनको जरा थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत कीजिए, सियासत कीजिए, सियासत के रंग में कीजिए, मजहब का लिबादा उड़कर मत कीजिए। इन चीजों को अगर आप देखें, इन चीजों को अगर आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप अपने लिए नफरत बढ़ा रहे हो। और जिस तरीके से आरजे रौनक ने उनकी ठुकाई की है और जो उन्होंने ऊपर से जो प्लस्तर किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है, तो लेकिन इन लोगों ये देखते होंगे मीडिया, लेकिन इनको ये अब जैसे हमारे हुक्मरान है पीडीएम सारी देख ही रही है लेकिन उनको शर्म नहीं आती। पता नहीं क्या वो जमीर मुर्दा हो चुके हैं इन सियासतदानों के, इतनी दौलत है इनके पास, दौलत के अंबार हैं, फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिले हैं, पता नहीं क्या क्या है, अरबों खरबों रुपये के हैं, लेकिन फिर भी इनके पेट ने आवाज नहीं भर रही। और फिर ये देखिए सियासत के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी हद तक गिर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है, अफसोस ही किया जा सकता है कि वो वाकई कि जब इनकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, फिर जब ये जमीर मुर्दा हो जाते हैं, अकल पे पर्दा पड़ जाता है, तो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। तो इन लोगों को अब कुछ नहीं सूझ रहा, ये उल्टा राम जी के ऊपर जो है ना, बिल्कुल ये इनकी सियासी मौत ही है जो ये इस राम जी के ऊपर जैसे तनकीद करना शुरू कर दी है और नहीं करना चाहिए। सियासत कीजिए, सियासी असूलों पर कीजिए, तनकीद कीजिए, अगर आपको कोई बुराई नजर आए योजनाओं हुकूमत की योजनाओं में, करप्शन नजर आए उस पे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए थे, स्कूल कॉलेज नौकरियां नहीं मिल रही, उस पे सियासत कीजिए, मुद्दों की सियासत कीजिए। ये कौन सी सियासत है, राम मंदिर सिंपल तो फिर यही नजर आ रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी क्रेडिट भी वही लेंगे, तो आप सब लोगों को उसका दुख सता रहा है, आपकी छातियों पर सांप लौट रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।